फ्रेंड्स, कैफे कॉफी डे के फाउंडर बीजी सिद्धार्था 30 जुलाई से लापता थे और उनके ड्राइवर का कहना था कि वह 30 जुलाई की सुबह नेत्रावती नदी ब्रिज के पास देखे गए थे और आखिरी बार उनके ड्राइवर ने उनको वहां देखा था। उनके ड्राइवर का ये भी कहना था कि बीजी सिद्धार्था गाड़ी से उतरकर ब्रिज की तरफ वॉक के लिए गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। काफी समय वेट करने के बाद बीजी सिद्धार्था के वापस न लौटने पर उनके ड्राइवर ने उनके परिवार और पुलिस वालों को उनके मिसिंग होने की सूचना दी। इसके बाद से ही पुलिस बीजी सिद्धार्था को ढूंढने में लग गई थी और काफी खोज के बाद बीजी सिद्धार्था की बॉडी मिल गई। आपको बता दें कि बीजी सिद्धार्था ने CCD की शुरुआत 23 साल पहले 1996 में मैंगलुरु से की थी, जिस कंपनी ने 30,000 से ज़्यादा जॉब क्रिएट किए थे और इस कंपनी के भारत के अलावा भी कई और देशों में 1800 से ज़्यादा लोकेशन पे आउटलेट्स थे। पिछले कुछ समय से CCD में भारी लॉसेस हो रहा था और बीजी सिद्धार्था का इनकम टैक्स की तरफ से टैक्स चोरी को लेकर कई नोटिस भी आ चुके थे, जिसके कारण CCD काफ़ी मुसीबतों में चल रही थी। बीजी सिद्धार्था के मिसिंग होने के बाद एक लेटर मिला था जिसमें कि बीजी सिद्धार्था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और CCD के एम्प्लॉयज़ को लिख रहे थे और उनसे माफ़ी मांग रहे थे। इस लेटर का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इस लेटर में बीजी सिद्धार्था ने ये लिखा था कि उनको इनकम टैक्स की तरफ से काफ़ी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया है। इस लेटर के ऊपर इनकम टैक्स का कहना है कि इस लेटर में जो साइन है वो बीजी सिद्धार्था के ओरिजिनल साइन से मैच नहीं करते हैं। इनकम टैक्स इस लेटर की सच्चाई की जांच में लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ से रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।